कोई भी ओकेशन को और मज़ेदार बनाता है केक, और स्पेशल बनाता है केक। या फिर अगर कभी आपका मूड ऑफ हो तो आप केक का पीस खाइए और देखिए इंस्टेंटली आपका मूड कितना ब्राइटन अप हो जाता है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सिंपल सा टी टाइम केक, जो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मॉइस्ट है और बहुत ही फ्लफी भी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिट रेसिपीज़। बिना मैदे के इस केक को बनाने के लिए सबसे पहले एक 7 इंच राउंड बेकिंग पैन को अच्छे से ग्रीस करके हमें एक पार्चमेंट पेपर से लाइन कर देना है, और 1/4 कप वॉलनट्स मतलब अखरोट को अच्छे से चॉप कर दिया है और 1 टेबलस्पून आटे में कोट करके साइड्स में रख देंगे। यहाँ एक बड़े से बोल में मैंने 4 मीडियम साइज के बनानास लिए हैं जो थोड़े से ओवर राइप थे, मतलब थोड़े से काले पड़ने शुरू हो चुके थे, मतलब इसमें शुगर कंटेंट हाई होगा और ये हमारी बेकिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन्हें हम एक मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप शक्कर। शक्कर को भी हम अच्छे से मैशर की मदद से मिक्स कर लेंगे जब तक कि शक्कर थोड़ी सी गलने ना लग जाए। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, बट मुझे ये मेथड थोड़ा सा आसान और थोड़ा सा कन्वीनियंट लगता है। जब शक्कर मेल्ट होने लग जाएगी, मिक्सचर इस तरह से लिक्विडी होने लगेगा और इस स्टेज में हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1/2 कप न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल। अब कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर्ड ऑयल ले सकते हैं, उसमें बस कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। अब एक विस्क की मदद से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि वो एक मेक ना हो जाए। तेल को हमें मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और उसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार है। अब क्योंकि एक 1 बोल केक है, हम इसी के ऊपर एक छलनी लगा देंगे। इस छलनी में हम सबसे पहले मिलाएंगे 1.5 कप आटा, मतलब 1.5 कप आटा। हमने इसी 1.5 कप में से 1 टेबलस्पून अखरोट को कोट करने के लिए लिया था। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा मिलाएंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला देंगे, साथ ही में 1 चुटकी नमक की मिला देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर मिलाएंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में छान लेंगे। बेकिंग के लिए अब फाइन आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। ये वही आटा है जिसे हम रोटी बनाते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आटा दरदरा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि हमें कोई आटा दिखाई ना दे, और साइड में मैंने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने भी रख दिया था। मिश्रण की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब हम इसमें मिलाएंगे 2/3 कप कैरेट जिसे हमने फाइनली ग्रेट कर दिया था, और साथ ही में हम इसमें कोट किए हुए अखरोट भी मिला देंगे। इन्हें भी हम अच्छे से बैटर में फोल्ड कर देंगे। आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा होगा, बट क्योंकि ये आटे से बना है इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की होगी। अगर ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून जितना रूम टेम्परेचर पे रहा हुआ दूध मिला सकते हैं। अब इस बैटर को हम हमारे ग्रीस्ड और लाइंड पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस केक में हमने ना दूध का इस्तेमाल किया है और ना ही कंडेंस्ड मिल्क का, तो ये बहुत ही हेल्दी केक है जिसे बच्चे और बड़े कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। बैटर को हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और लेवल कर देंगे केक टिन में। आप चाहे तो इसे एक लोफ पैन में भी बेक कर सकते हैं। हमने इसे 1-2 बार टैप कर दिया है और फिर इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 से 40 मिनट तक बेक कर देंगे जब तक कि इसमें से टूथपिक इंसर्ट किया हुआ पूरी तरह से क्लीन होके बाहर ना निकले। इसका मतलब हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है और फिर हम इसे डीमोल्ड कर देंगे। मैं आपको अगर इसका टेक्स्चर दिखाऊँ तो देखिए, जैसे जैसे मैं पार्चमेंट पेपर निकाल रही हूँ वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटिफुली हमारा केक बेक होके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा टेक्स्चर है, ऑरेंज से बहुत अच्छा कलर आ रहा है और वॉलनट से बहुत अच्छा बाइट भी आएगा हमारे केक में। तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन का केक है जिसमें कैरेट की गुडनेस है, बनाना से इसमें बहुत सॉफ्टनेस है, बहुत मॉइस्ट है और बहुत फ्लफी भी है। केक को पूरी तरह से हमने ठंडा कर दिया है कूलिंग रैक पे, और फिर जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे और इसे ऐसे ही एज अ स्नैक एंजॉय करेंगे या फिर हमारी चाय टाइम को और बेहतरीन बनाने के लिए इसको सर्व करेंगे। बिना मैदा, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना कोई दूध के अगर आपको इस केक की रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।